बड़ा है। अरे ये तो बहुत सुंदर। साथियों, अलाउद्दीन जी ने सूचना दिया है कि कहीं रसल वाइपर देखा गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं झारखंड में धन कटनी शुरू हो गया है। इस समय में बहुत ज्यादा रसल वाइपर निकलता है, और हमारे मित्र, सहयोगी मित्र बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं सांप से जुड़े हुए। चलिए भैया, अच्छा अच्छा माँ जी नमस्कार, जोहार 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 जोहार। कहाँ पर सांप देखे भैया? ओ, इसके अंदर। अच्छा, आप लोग क्या मतलब धान उन कटनी शुरू हो गया है ना? साथियों, चूहा की तलाश में हर दिन कहीं ना कहीं रसल वाइपर निकल रहा है, लोग उसे मार डाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों का है सांपों से इंसानों को बचाना और इंसानों को सांपों से बचाना, इसी में है। अरे रे रे रे, अरे अरे, ये तो बहुत सुंदर। नहीं नहीं, रसल वाइपर नहीं है, ये अजगर का बच्चा है। अरे अरे, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर ये। अभी हमें ऐसा लगता है कि काटने सीखा नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये है इंडियन रॉक पाइथन। साथियों, अलाउद्दीन स्नैक सेवर नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग साथियों थोड़ा विजिट कर लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। और हम चाहेंगे कि अलाउद्दीन जी थोड़ा लोगों को दिखलाइए। यही अजगर 20 से 25 फीट का हो जाएगा, उस समय एक इंसान को निगलने का ताकत आ जाएगा इसके अंदर में। सोचिए, अभी एकदम बच्चा है, काटने नहीं सीखा है, बस ये भोजन की तलाश में घूम रहा है। कौन सांप है आदिवासी भाषा में थोड़ा बताइए आप लोग? बोडा। बोडा है, ये अजगर है। इसी तरह का रसल्स भाई पर भी देखा जाता है, इसीलिए भूल से सांप को मारिए मत। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ग्रामीण वासी सांपों को नहीं मारा करते हैं, और हमारे अलाउद्दीन जी इस काम में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। लोगों को दिखलाया जाए, अजगर अलग है, और रसल वाइपर होने से कॉइन कॉइन का दागी रहेगा। कॉइन कॉइन मतलब समझ रहे तो? गोल गोल, वो जहरीला सांप है। और ये हिंदी में अजगर, बंगला में मोयाल। थोड़ा सा चलने दीजिए। हाँ, चलने दीजिए। ये बिना जहर वाला सांप है। साथियों, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक फैलाएं। और हमारे भाई का जो चैनल है अलाउद्दीन स्नैक सेवर, को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। साथियों, अजगर 20 से 25 फीट हो जाती है, चूंकि हमने देखा है, बीच में एक बार रेस्क्यू करने का भी मौका मिला था, 18 फीट का अजगर हमने रेस्क्यू किया था। और ये बच्चा बहुत ही मासूम बच्चा है अजगर का। साथियों, बिल्कुल स्नैक सेवर ना बने, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग अक्सर आए दिन दुर्घटना हो जाती है, इसीलिए अपने मम्मी पापा के लिए कुछ बने या ना बने, बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा जरूर बने। रिलीज करने का मजा ही कुछ अलग है। बहुत ही सुंदर प्यारा अजगर जंगल में जाते हुए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।